दोस्तों, ये लुमिनस का साइन वेव इको वार्ड नियो 700 वी है, इन्वर्टर है। देखिए साइन वेव है, तो इसमें देखिए प्रॉब्लम ये है कि देखिए मैं बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद भी इसमें जो है कोई भी मुझे जो है सिग्नल नहीं बता रहा है। और यहाँ तक कि देखिए मैं ऑन ऑफ भी करके देखता हूँ लोग, लेकिन इन्वर्टर जो है ऑन नहीं हो रहा है। और इसको डायरेक्ट एसी में भी लगाता हूँ तो भी यहाँ पे जो है मुझे ना ही मेंस का इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, ना ही चार्जिंग का कुछ भी यहाँ पे जो है मुझे शो नहीं कर रहा है। तो देखिए फटाफट से इसको लगाएंगे। और देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। तो देखिए जब ओनर को जो बंदा है पार्टी है उसको पूछा तो मैंने इसने बताया कि जो है इसने जो है इन्वर्टर को जो है बैटरी से जो है डिस्कनेक्ट किया था। उसके बाद जब इसको लगाया था तो इसने क्या किया, पॉजिटिव को जो है ब्लैक कलर से जो है कनेक्ट कर दिया था, और जो नेगेटिव है उसको जो है रेड कलर से कनेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद से जो है कुछ इन्वर्टर जो है कुछ भी सिग्नल नहीं बता रहा है। तो ये देखिए जब बैटरी का जो प्लस माइनस है इसको आप उल्टा पुल्टा लगाएंगे, माइनस को प्लस में लगा देंगे, प्लस को माइनस में लगा देंगे, तो गलती से भी थोड़ा सा भी अगर बैटरी को अगर टच करके भी आप छोड़ दोगे तो आपका इन्वर्टर जो है काम करना बंद कर देगा। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फ्यूज़ वगैरह जैसे मैंने दिखाया था, फ्यूज़ वगैरह बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो एसी का फ्यूज़, एसी सेक्शन में मुझे कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो सिर्फ अपना जो बैटरी डीसी सेक्शन है यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो जैसे ही कनेक्ट किया बैटरी के साथ, आप जो है रिले का साउंड जो हमको सुनाई देता है टैक करके, वो भी जो है हमको सुनाई नहीं दिया था। तो यहाँ पे जो डीसी फ्यूज़ लगा होता है, इसको मैं खोल करके जो है चेक कर रहा हूँ एक बार। तो क्योंकि 100% अगर इस तरह का अगर जो है गलती से बैटरी का जो कनेक्शन है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस अगर लग जाता है तो सर्किट तो आपका प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे सर्किट के अंदर जो डीसी फ्यूज़ लगा होता है वो जो है उड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों डीसी फ्यूज़ का जो जगह है 40 एम्पियर का यहाँ पे फ्यूज़ लगा रहता है, तो ये फ्यूज़ है देखिए 40 एम्पियर का, तो ये दोनों फ्यूज़ जो है उड़ चुका है। तो देखिए ये फ्यूज़ को जैसे ही लगाएंगे तो इन्वर्टर जो है चालू होने लगेगा, और यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट जो है ख़राब नहीं होगा। अगर जैसे ही बैटरी का कनेक्शन उल्टा पुल्टा लगाएंगे ये डीसी फ्यूज़ उड़ जाएगा और सर्किट को जो है आपका जो है बचा लेगा। तो देखिए ये दूसरा डीसी फ्यूज़ मैंने लगा दिया है यहाँ पे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही सावधानी से आपको ये सब काम करना है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो टच मत कीजिएगा, कोई भी प्रोफेशनल जो भी होगा उसको बुला करके ये करवाइएगा, क्योंकि बहुत रिस्की काम होता है ये। और इन्वर्टर का अंदर जो है आपको जो है शॉक लगने का खतरा भी हो सकता है, तो ये चीज़ का जो है सेफ्टी फर्स्ट दोस्तों। तो इसके लिए आपको जो है हमेशा ये चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, खोल देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देखिए डीसी फ्यूज़ को मैंने लगा दिया है और इसको एसी में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्वर्टर जो है बैटरी से कनेक्ट करने के बाद मुझे जो है सिग्नल अभी भी नहीं बता रहा है, क्योंकि मेरा बैटरी जो है काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है और बैटरी जो है काफ़ी लो हो चुका है। देखिए यहाँ पे तो दूसरा एक और बैटरी, नया बैटरी लिया है मैंने, लेकिन वो अभी फ़िलहाल यहाँ पे दुकान पे नहीं है। तो ये देखिए बैटरी मेरा पूरा लो हो चुका है, इसके लिए यहाँ पे इन्वर्टर जो है कोई सिग्नल जो है शो नहीं कर रहा है। फ़िलहाल हमको जो है मेंस का इंडिकेटर जो है हल्का हल्का सा जो है ग्लो करने लगा है। तो देखिए बैटरी बिल्कुल लो है यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है इन्वर्टर जो है कोई भी मुझे सिग्नल शो नहीं कर रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट या तो 10 वोल्ट जब तक नहीं मिलेगा रिले भी जो है ऑपरेट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप भी कभी गलती से जो है बैटरी का जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल है इसको अगर आप गलती से पॉजिटिव वाला नेगेटिव में लगा दोगे और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में लगा दोगे तो देखिए मेंस का हल्का हल्का सा जो है ग्लो करने लगा है, क्योंकि बैटरी लो है तो ये इन्वर्टर जो है ऑन नहीं होगा आप मेंस से कनेक्ट करने के बाद भी। तो बैटरी 10 को ऊपर होना चाहिए तभी जो के जाके जो है मेंस भी एक्सेप्ट करेगा। तो